मेरा और जानू का ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं यार जानू के साथ और सफ़र नहीं कर सकता। बस वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मैं रेडी हो गया हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं बाबा जिंदर। तो बाबा जिंदर से आने के बाद फिर मुझे दिल्ली जाना अपनी बहन को छोड़ने घर पर। तो भाई एक बार बाबा जिंदर होके आते हैं और वो आपके दिखाते हैं, फिर निकलते हैं बिना किसी देरी के। मैं और गोविंद जाएंगे बाबा जिंदर, बाइक से जाएंगे। निको चलेगा? चले ठीक है, आप यहीं रहो, मैं नहीं लेके जाऊँ। अच्छा ठीक है, एक झाड़ू आपने ले लिए और प्रसाद ले लिए, जोत ला दिए और 2 किलो गुड़ ले लिए। अब निकलते हैं बाबा जिंदे की ओर। चलो भाई गोविंद। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई बाबा जिंदे, मैं और गोविंद। आधा किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी हमने क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। पब्लिक बहुत आई हुई है भाई, बहुत भीड़ है, जगह जगह से आ रहे हैं लोग, जहाँ से रास्ता मिल जाए वहीं से पहुँच रहे हैं। खुले में निकाल दी हमने तो चप्पल। यहाँ पर दूध चढ़ाया जा भाई, जो जिनके जो घर में पशु है ना उनका। यहाँ पर घर से ले आई हुई झाड़ू चढ़ाई जा है। ये देखो भाई कितनी गुड़ की बेली चढ़ा रखी है, बहुत पब्लिक आई हुई है मंदिर में। ये प्रसाद चढ़ा रखा है बाबा जी के दर्शन। ये देखो हमारे पीछे कितनी सारी गुड़ की बेली है। यहाँ पर बाबा की चादर चढ़ाई जा है, चादर व चुंदड़ी। बाबा जिंदा की समाधि है ये। तो भाई हो गए हैं यहाँ के दर्शन और अब निकलते हैं बाहर। काफी मज़ा आ गया यहाँ मेले में घूम के ना, देख रहे हैं तरह तरह की कलाकारी यहाँ पर। 100 रुपये के 3 खिलौने, बड़े बड़े खिलौने 100 रुपये के 3 खिलौने। ना भाई भेलपुरी वाले की कमी थी, ये भी आ गए। इस मेले की मान्यता ये है भाई क्योंकि जिनके घर पे पशु है ना, तो उनकी सुरक्षा, उनकी सेहत के लिए, उनको किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसलिए बाबा जिंदा आया जाता है भाई। जिसको जहाँ से पब्लिक को रास्ता मिले ना वहीं से हो लेते हैं, खेत में से भी हो लेते हैं, तरह तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ भी, जहाँ भी रास्ता मिले वहीं से हो लेते हैं। हम भी कभी 4-5 साल पहले ऐसे ही जाते थे खेतों में से। भीड़ होती है मेले में, तो जहाँ से जहाँ रास्ता मिला वहीं से निकल लेते थे। तो पहुँच गए भाई बाइक के पास, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो पहुंच गए भाई घर, गोविंद तो चल पड़ा घर पे। तैयार हो चुके हैं, हम दिल्ली जाते हैं रेनू ने छोड़ने। दिल्ली तैयार हो लिए हैं, चाचू की भी आली भाई परी। तो आप यहीं रहो, आप यहीं रहो, मैं जाऊंगा। वो तो किधर दिन पूछे ना कि क्या भाई इसका नहीं। चलो चलो चलो, लेट मत हो। बाय बेटा बाय। पीछे बैठ भाई, पीछे बैठ, चोट लगने वाले पीछे बैठते हैं। 1 मिनट चल, तू चीज ले रहा है इसलिए आगे बैठ जा। खोल दू उसको, ओपन कर दूं? ठीक है, खाएंगे फिर दोनों मिल बांट के खाएंगे। ठीक है मन्ना भी दियो। ठीक है फिर दे। आज ये नूर के लिए भाई जलेबी लेके चलूंगा माथुराम की कुआना से। इसका सारा गुस्सा आज मैं शांत कर दूंगा आराम से, धूप लेने की जरूरत नहीं, वैसे ही गर्म कर दूंगा तुझे। ये लो भाई गलत काम हो गया, टाइम पे ही फाटक बंद होगी। आजा आजा जल्दी आजा। बस्ती तो पहुंच गए ये नूर के गांव भैंसवाड़ में। अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये नूर का घर, ये नूर के घर पे मैं डोली रखा हुआ, कोई था ही नहीं तो मैंने बोल भी नहीं दिया, मुझे कोई दिखा नहीं, मैंने बोल नहीं दिया, मैं वैसे ही खाट पर रख के आ गया। आप पहुँचते हैं यन्नू के पास और बताते हैं ये बात है कि उसके घर पर कोई नहीं है। ये तो रास्ते में उतरना पड़ रहा है भाई, क्योंकि जानू का और मेरा रोड़ा हो गया है, तो मैं जानू के साथ आगे नहीं जा सकता। मेरी जानू की बननी जानू उतार देना गाड़ी से नीचे, यहीं पे नीचे उतर जल्दी। और जानू का ब्रेकअप हो चुका है दोस्ती में, बस एक मिनट के मतलब 1 घंटे के सफर में हमारा ब्रेकअप हो गया। टॉफी के चक्कर में इसका मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसने मेरे को टॉफी नहीं दी तो मैंने इसका ब्रेकअप कर दिया। और टॉफी दिलाऊं आपको तब होगा अपना रिलेशनशिप, फिर आगे से आगे तक चलेगा। 20 साल की यारी दोस्ती है, एक टॉफी के लिए तोड़ दी तूने। दौड़ेगा फिर अपना रिलेशन, दौड़ेगा दबा के। वो तू टॉफी देगा मेरे को अच्छी और चॉकलेट वाली। फिर मेरे साथ चल, तो बहुत सारी मिलेंगी यन्नू के पास। मेरा और जानू का ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं यार जानू के साथ और सफर नहीं कर सकता। बस दी एंड क्यों करें हम, दी एंड क्यों करें। बाय जानू, बाय मामू, बाय जानू, बाय मामू, हट। देख ले जानू, तेरे लिए कितना कर रहा हूँ, पूरी सीट खाली कर दी है मैंने तेरे लिए। बाय जानू, देखे बाय। आज गया, आज गया। यन्नू किधर? यन्नू तो सोने लग रहा है भाई। सरप्राइज बड़ी आड़ा दिया जाएगा। क्या लेके आए पता? क्या लेके आए? गैस कर। अरे बोलो ना। आप बताओ। मैं कैसे बता सकता हूँ? देख ले हमारे गुआने में क्या फेमस है। फेमस क्या गुआने की, फेमस क्या है? पानी पूरी। अरे वाह। जलेबी माथुराम की है ना? नहीं, फिलहाल तो यन्नू की है वो। लाला माथुराम को तो पैसे पे कर दिए मैंने। खड़े हो जा। हमारे यन्नू भाई तो हमारी कोई कदर नहीं करे, हमारे आने की कोई खुशी नहीं। आराम से ऐसे लुटे हैं जैसे हमसे उदास हो। स्कूल खुल गए, देखो घूम के भी आ गया एक दिन में। कोई नहीं, क्या आप घर पे रही हो? आपको मना किया मजे के लिए? अरे खा ले यार। खा लूंगा यार। ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ फिर। यार लेके आ गया भाई यन्नू। ये मेरे लिए क्या और किसके लिए है? आपकी है। चल मैं ले भी फिर इसको। खेलने का टाइम हो चुका भाई। आंसू वाली है जहाँ पर मेरे को उतारा था। तो यन्नू तो अपने भाई साहब गेम खेलने में बिजी हैं। कौन सा गेम है? वैलोरेंट। पता नहीं भाई, ये भी गेम में बिजी रहता है। फिर चलूँ मैं? बाय। शुगर दे दिए तेरे को, ठीक है। अब तू तो दे दे मुझे। ओह, डायबिटीज होगी पक्का। कल डायबिटीज का चेकअप करवाना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं फिर घर की ओर। बैठ लिया भाई, आंसू के पास पहुंच गए हैं। आंसू भी बहुत जल्दी आ गया है। अब चलते हैं घर की ओर। घर की ओर तो बाद में देखते हैं। गुड़गांव में चलना, गुड़गांव में क्या करना ना, आज घर है चलना है गुड़गांव में। फिर बनाओगे प्रोग्राम ना? फिर एलेंटा तो चंडीगढ़ नहीं है। अरे भी है। अच्छा, फिर कभी देख लेंगे। तो भाई पुरानी यादें ताज़ा होगी। इसलिए मैं ड्राइविंग करूंगा भाई। आंसू रेस्ट करेगा क्योंकि सामने से चौंधा लग रहा है सूरज का, तो उसको एडजस्ट नहीं हो रही। तो मैं फिर भी थोड़ी ठीक चला लूँगा, उसका ये मानना है। इसे एग्जिट हो गया भाई। अब ना मान लो 1 घंटे में घर की ओर पहुँच जाएंगे हम। मौज मस्ती करने के बाद और दुखी होने के बाद घर पर पहुँच गया आखिर मैं। तो रास्ते में काफ़ी जाम मिल गया था जिसके कारण हम थोड़े लेट हो गए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो करते हैं बाय। तो बाय।